अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है पीएन जंक्शन, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि पीएन जंक्शन होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। सो पीएन जंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो टाइप्स की मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट होता है हमारे पास पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है कि पी टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। सेकंड, पी टाइप मटेरियल के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं, चूंकि इनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं तो ये किसी भी नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए पी टाइप मटेरियल्स को एक्सेप्टर भी कहा जाता है। सेकेंड मटेरियल जो हम लेते हैं पीएन जंक्शन को बनाने के लिए, वो हमारे पास होता है एन टाइप मटेरियल। सिमिलरली एन टाइप मटेरियल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पी टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव थे, सो एन टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी के चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। TRONS इलेक्ट्रॉन्स, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। चूंकि एन टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये किसी भी मटेरियल को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको डोनर भी कहा जाता है। हमारे पास दो टाइप्स के मटेरियल आ गए, एक हमारे पास है पी टाइप और दूसरा हमारे पास है एन टाइप मटेरियल। और हमने इन दोनों मटेरियल्स को मिला के एक डिवाइस बनानी है, जिसको पीएन जंक्शन या डायोड भी कहा जाता है। तो पीएन जंक्शन के लिए हम दोनों मटेरियल्स को आपस में मिला लेते हैं। एक हमारे पास है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाला होल्स, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा थे, यह है आगे हमारे पास पी टाइप मटेरियल। दूसरा हमारे पास एन टाइप मटेरियल, जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। जैसे ही हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो जो फ्री चार्जेस होते हैं, रैंडम मोशन में थे पहले ये होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, तो पी टाइप के कुछ चार्जेस जंप करके एन टाइप वाली साइड पे चले जाते हैं और एन टाइप के कुछ चार्जेस जंप करके पी मटेरियल वाली टाइप पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये एज ए पॉजिटिव आयन के तौर पर काम करते हैं। सिमिलरली नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाते हैं तो ये यहाँ पे एज ए नेगेटिव आयन के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि हमने किस तरीके से पीएन जंक्शन को बनाया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है सेंटर
सेमीकंडक्टर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप एंड एन टाइप ब्रॉट टुगेदर Electrons and holes migrate across the junction. जंक्शन से क्या मुराद था? जब हमने एक पी टाइप और एक एन टाइप को मिलाया तो जहाँ पे हम दोनों को मिलाते हैं इस पॉइंट को जंक्शन का नाम दिया जाता है। तो यही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जब हम सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं इस जंक्शन के, मीन एन टाइप पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो कुछ एन साइड वाले पे चले जाते हैं और एन टाइप के कुछ नेगेटिव चार्जेस पी साइड पे आ जाते हैं। सेकेंड, जब ये चार्जेस मूव करते हैं तो यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको डिप्लेशन रीजन का नाम दिया जाता है। इस डिप्लेशन रीजन की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट होता है और उस पोटेंशियल को नाम दिया जाता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर से क्या मुराद है? मीन ये मजीद चार्जेस को फ्लो होने के लिए एज ए रुकावट के तौर पर काम करता है, इसलिए इसको पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया जाता है। तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमने दोनों मटेरियल्स को करीब लेके आए तो हमारे पास एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हुआ, डिप्लेशन रीजन फॉर्म भी कर सकते हैं या क्रिएट भी कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसको हमने पोटेंशियल डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर का नाम देते हैं। डिप्लेशन रीजन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन। तो ये हमारे पास सिंपल सी कंस्ट्रक्शन थी पीएन जंक्शन की। अब अगर हम इसका ओवरऑल रिव्यू लें कि पीएन जंक्शन को हमने किस तरीके से बनाया था, रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन, रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन में हमने देखना है कि पीएन जंक्शन को हमने किस तरीके से बनाया था। सो पीएन जंक्शन को अगर हम ओवरऑल इफेक्ट देखें, एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जब हमने लिया था, सो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है पीएन जंक्शन के ऊपर वो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है या जिसको हम कहते हैं कि हमेशा जीरो रहता है। सो इट मीन पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिकली इन न्यूट्रल होता है एज वोल्ट,
सो पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एज होल। सेकेंडली, जब हमने इस पीएन जंक्शन को बनाया, जिसके लिए हमने दो किस्म के मटेरियल्स को इस्तेमाल किया, पी टाइप और एन टाइप को, अगर हम इस पीएन जंक्शन को सिलिकॉन की सूरत में बनाते हैं, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उससे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट, पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन वो होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर होता है 0.3 वोल्ट। सो पी टाइप, अगर हम इस पीएन जंक्शन को एज ए डायोड के तौर पर इस्तेमाल करें, तो एन टाइप वाले रीजन को हम नाम देते हैं कैथोड का, और जो पी टाइप वाली साइड होती है उसको नाम दिया जाता है एनोड का। दैट मीन पी टाइप जो है उसको एनोड का नाम देते हैं। पी टाइप रीजन इसको एनोड कहते हैं, और जो हमारे पास एन टाइप है उसको कैथोड कहते हैं। अगर हम बात करें डिप्लेशन रीजन की, तो डिप्लेशन रीजन के अंदर कौन कौन से चार्जेस मौजूद हैं, जो कि हमने यहाँ पे एज ए जंक्शन के बाद ये वाले जो रीजन है जिसको हमने डिप्लेशन रीजन का नाम दिया, इस डिप्लेशन रीजन के अंदर कौन से चार्जेस होते हैं या आयंस होते हैं। जब हमने इस पीएन जंक्शन को मिलाया, तो डिप्लेशन रीजन के अंदर आयंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ये मूव नहीं करते, इसको इमोबाइल आयंस का नाम देते हैं। सेकेंडली, पी रीजन के अंदर किसी किस्म के चार्ज कैरियर्स नहीं होते, तो ये पॉइंट एज एमसीक्यूज के तौर पर भी लिया जाता है। रीजन इन डिप्लेशन रीजन इमोबाइल आयंस प्रेजेंट, या आप ये भी कह सकते हैं कि इन डिप्लेशन रीजन कॉन्टेन इमोबाइल आइंस, ये पॉजिटिव आइंस हो सकते हैं या नेगेटिव आइंस हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, डिप्लेशन रीजन के अंदर नो चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन डिप्लेशन रीजन। सो ये जो लास्ट वाले टू पॉइंट्स हैं, ये ऐसे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं कि डिप्लेशन रीजन के अंदर आयंस मौजूद होते हैं या फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं, तो डिप्लेशन रीजन के अंदर हमेशा आयंस मौजूद होते हैं, और ये इमोबाइल आयंस होते हैं, ये किसी के साथ मिलते नहीं हैं, जिस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता। सेकेंड पॉइंट ये था कि डिप्लेशन रीजन के अंदर किसी किस्म के चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते। तो ये एक जनरल रिव्यू था हमारे पास पीएन जंक्शन का। पीएन जंक्शन हम अपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये डिवाइस जो हमने बनाई है, जिसको हमने पीएन जंक्शन या डायोड का नाम देते हैं, इससे हमने करंट को किस तरीके से कंडक्ट कराना। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसका, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। सो ऑपरेशन के लिहाज से हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, सेकंड होता है हमारे पास रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन को किस तरीके से बनाते हैं, और पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस किस तरीके से किया जाता है। सो फर्स्ट है हमारे पास फॉरवर्ड बायस।
एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए हम इसी पीएन जंक्शन को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास है पी टाइप मटेरियल जिसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे, दूसरा हमारे पास था एन टाइप मटेरियल जिसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे। किसी भी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए इसके पॉजिटिव टर्मिनल को, जिसको हमने एनोड का नाम दिया था, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल जिसको हमने एनोड कैथोड का नाम दिया था उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ था, यहाँ पे थे हमारे पास फ्री आयन, यहाँ पे हमारे पास आयन्स मौजूद थे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। इट मीन जब हमने किसी भी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कराना हो तो उसके एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना होगा। तो हमारे पास ये बायसिंग जो है इसको फॉरवर्ड बायसिंग का नाम दिया जाता है। बायसिंग एक्चुअली है क्या चीज़? बायसिंग ये है कि हम जो डिवाइस कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम उसको हमने इलेक्ट्रिकली किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हम उसमें से करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम पॉइंट्स की सूरत में लिखना चाहें, सो पी साइड कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल और जो हमारे पास एन साइड है उसको हम कनेक्ट करेंगे एन साइड कनेक्ट विथ नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे पास बनके इसकी फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जब हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखी जाए, हमारे पास ये वाली साइड जो है एनोड ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और कैथोड जो है वो नेगेटिव के साथ अटैच है। तो इट मीन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव को रिपेल करता है क्योंकि यहाँ पे फ्री चार्जेस जो हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स वो हमारे पास होल्स हैं और यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो फ्री चार्जेस होंगे यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, तो उनकी जो डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी। इट मीन ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस करंट जो है वो कंडक्ट करता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस करंट कंडक्ट। सेकेंडली अगर हम इस पोजीशन को देखें जिसको हमने नाम दिया था डिप्लीशन लेयर का, पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव की रिपेल करेंगे, तो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और वह हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये करंट मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। इट मीन फॉरवर्ड बायस के दौरान करंट जो कंडक्ट करता है करंट फ्लो ड्यू टू मेजोरिटी चार्जेस और ये करंट हमेशा मिली एम्पियर की फॉर्म में होता है। करंट का अगर ऑर्डर देखा जाए, करंट ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स सेकेंड के लिहाज से इतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है। सेकेंडली जहाँ पे करंट फ्लो करता हो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है वो मिनिमम होती है और वो फ्यू। सो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायसिंग मोड को, कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस हमने डायोड के पॉजिटिव साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच किया था। उसकी आई वी करेक्टरिस्टिक्स रहती थी
आई वी करेक्टरिस्टिक्स के से मेन के वोल्टेज और करंट का रिलेशन किस तरीके से बनता है और डायोड में किस तरीके से करंट फ्लो करेगा। तो उसमें एक वैल्यू हम वोल्टेज को एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं और जो हमारे पास करंट फ्लो करता है वो हम ले रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर, और करंट की वैल्यू हमारे पास थी मिली एम्पेयर की फॉर्म में। अगर तो हमारे पास सिलिकॉन बना है, सॉरी डायोड अगर हमारे पास बना है सिलिकॉन का, तो उसके लिए हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर था वो था 0.7 वोल्ट का, और अगर वो बना है जर्मेनियम का तो उस सूरत में हमारे पास पोटेंशियल बैरियर था 0.3 वोल्ट का। तो अगर हम ग्राफिकली इसको शो करें, सपोज करें मेरे पास ये पोजीशन जीरो को शो करती है और यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल है 0.2 वोल्ट, फिर हम शो करते हैं 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8, 1.0, 1.2 एंड सो ऑन, आगे की तरफ हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज होगा। अगर तो वो डायोड बना है सिलिकॉन का, सो 0.7 जो हमारे पास पॉइंट बनता है वो तकरीबन इस पोजीशन के ऊपर क्रिएट होगा, तो 0.7 वोल्ट तक तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे 0.7 से वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो हमारे पास डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये था सिलिकॉन की फॉर्म में जिसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट था। सेकंड, अगर वो जर्मेनियम का बना है तो जर्मेनियम की फॉर्म में ये 0.3 वोल्ट तक कंडक्ट नहीं करता, तो तकरीबन 0.3 वोल्ट यहाँ पे बनते हैं, तो 0.3 तक तो किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 0.3 से वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया जर्मेनियम का करंट। नेक्स्ट था कि डायोड को अगर हम रिवर्स बायस करें, तो रिवर्स बायस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है कि करंट फ्लो करेगा वहाँ पे या नहीं करता, और उसकी आई वी करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सेकंड था हमारे पास रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के लिए हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को, हमारे पास है एक पीएन जंक्शन, ये पी साइड एन साइड पॉजिटिव के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे, एन साइड के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने दोनों को मिलाया था तो हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ था, इस साइड पे नेगेटिव आयंस क्रिएट हुए थे पी साइड के ऊपर, और नेगेटिव साइड के ऊपर पॉजिटिव आयंस क्रिएट हुए थे। रिवर्स बायसिंग के लिए हम बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर लिया जाता है। सो ड्यूरिंग रिवर्स बायस पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होगा जिसको हमने कैथोड का नाम दिया था नेगेटिव टर्मिनल, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पीएन जंक्शन कनेक्ट विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो ड्यूरिंग रिवर्स बायस क्या होगा कि इस पोजीशन को हमने नेगेटिव के साथ अटैच किया था, इसको हमने पॉजिटिव के साथ अटैच कर लिया था। नेगेटिव चूंकि पॉजिटिव को अपनी तरफ अटैच करेंगे और इस साइड से नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अटैच करेंगे, तो पहले जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम थी अब ये मजीद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन ड्यूरिंग रिवर्स बायस जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन होता है इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है,
और जो फ्री चार्जेस थे उनके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो इस बैरियर को क्रॉस करके करंट फ्लो कर सकें। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये बनती है कि इसके अंदर जो लीकेज करंट होता है उसकी क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है और ये ऑर्डर होता है इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पीयर। चूंकि करंट फ्लो नहीं करता ड्यूरिंग रिवर्स बायस, इसलिए ड्यूरिंग रिवर्स बायस जो इसकी रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम के फॉर्म में होती है। रेजिस्टर इन ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, ये सेवरल ओम भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास रिवर्स बायसिंग एक पीएन जंक्शन की। तो पीएन जंक्शन के दौरान करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि हमारे पास जो बैंडविड्थ थी जिसको हमने डिप्लेशन रीजन का नाम दिया था वो मजीद इंक्रीज हो जाती है और चार्जेस जो है इस रीजन को कवर नहीं कर पाते जिस वजह से करंट फ्लो नहीं करता। इट मीन लास्ट हम ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग रिवर्स बायस रिवर्स बायस पीएन जंक्शन एक्ट लाइक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के दौरान भी करंट फ्लो नहीं करता तो डायोड के रिवर्स बायस के फॉर्म में डायोड जो है वो बिल्कुल एक ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करता है, इसलिए इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी आईवी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीन वोल्टेज और करंट की करेक्टरिस्टिक्स। सो रिवर्स बायसिंग के दौरान हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और हमने इसको डिस्कस किया ऑलरेडी कि रिवर्स बायस के दौरान करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट तक तो करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर उस पॉइंट से वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज कर दिया जाए रिवर्स वोल्टेज को तो करंट एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक डाउन। और इस पॉइंट के ऊपर ये डायोड नहीं रहता बल्कि एक सिंपल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जैसे कि ओम लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज और पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि नेगेटिव पोटेंशियल अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से इंक्रीज कर दिया जाए तो डायोड जल जाता है और वो बिल्कुल बिहेव करता है लाइक का कंडक्टर, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक चीज़ ये है कि आखिर इस पोजीशन के ऊपर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। रीज़न ये होती है कि इस साइड पे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, इस साइड पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनती है वो हमारे पास ये बन जाती है। तो इस पोजीशन के ऊपर जितने भी आयंस हैं ये आयंस इस पोजीशन के ऊपर आयंस होते हैं और इस साइड पे भी पॉजिटिव साइड के ऊपर नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं रिवर्स बायसिंग के दौरान, मजीद बढ़ जाती है लेयर। तो यहाँ पे जितने भी आयंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही एक आयन यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा, आगे एक और आयन जो आयन पॉजिटिव आयन जो मौजूद है उसके साथ कोलाइड करेगा, तो यहाँ से एक और मजीद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये आगे मूव करेगा तो मजीद इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक वक्त आएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्री चार्जेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब चार्जेस मैक्सिमम हो जाएंगे तो ये चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बनाते कैसे हैं, उसके वर्किंग मोड को भी हमने देखा कि दो मोड थे उनके, एक था फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस के दौरान करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायस के दौरान करंट कंडक्ट नहीं करता। थैंक यू।